हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। पेंड सीरीज़ की एक होर नवी वीडियो साढ़े सब का स्वागत जी तैयार है जी। दोस्तों तुसी भी सारे ही जानते होगे कि किसानों के मुद्दे को लैके जिथे कि पूरा पंजाब अते पूरी पंजाबी इंडस्ट्री किसानों के हक में आई सी। दोस्तों उत्थे ही पंजाबी इंडस्ट्री नाल बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत वड्डे प्लेबैक सिंगर गुरू रंधावा दे वल्लों कोई भी पोस्ट पहला नहीं सी पाई गई, जिसके कि कारण पंजाब दे सिंगरां वल्लों बहुत ज़्यादा विरोध किया गया सी गुरू रंधावे दा। पर दोस्तों असल विच गुरू रंधावा असल विच पंजाबियों नू अते नाल ही दोस्तों किसानां नू बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिसके कि सबूत असी हुण तुहानू दिखावांगे। दोस्तों तुसी भी सारे ही जानते हो कि जेकर अपनी फाउंडेशन किसी कंपनी के नाल हुंदी है तो तुसी उस तो वध के कंपनी तो अगे जाके उन्हां दी कहे तो बिना कोई भी काम नहीं कर सकते। सो दोस्तों इसी तरह के सीन होया गुरु रंधावा दे नाल, जिस कारण कि म्यूजिक कंपनी तो पुछे बिना वो अपनी पोस्ट नहीं पा सकते। सो इसे लिए दोस्तों ना ही उन्होंने पोस्ट पाई और ना ही दोस्तों फाउंडेशन तो अगे वध के वह उस जगह पर जा सकते हैं जिथे कि कंपनी ने ना कहा हो। सो दोस्तों इसलिए ही ना ही गुरु रंधावा इंडिया मतलब पंजाब दे विच आण के प्रोटेस्ट कर सके और ना ही कोई पहला पोस्ट पा। पर दोस्तों हुण तुहानू सच का सामना भी करना पवेगा। दोस्तों तुहानू दस दिए पिटबुल दे नाल गुरु रंधावा इंडिया के पहले सिंगर हैं जिन्होंने कि काम किया है। पिटबुल इंटरनेशनल सिंगर हैं जिन्होंने कि बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। सो दोस्तों उन्होंने नाल काम करने का मौका मिले गुरु रंधावा। तो दोस्तों गुरु रंधावा उत्थे हिंदी सोंग भी गा सकते सी, इंग्लिश सोंग भी गा सकते ही। पर दोस्तों उन्होंने एक इंटरव्यू दौरान यह गल दसी कि उन्होंने सिर्फ तो सिर्फ चुनी पंजाबी भाषा क्योंकि अपनी पंजाबी भाषा को अगे ले जाना चाहते सी। सो दोस्तों इसे एक तरह ही पिटबुल के इंग्लिश सोंग गुरु रंधावा ने गाया पंजाबी दे विच सोंग, जिसके कारण पंजाबी भाषा को बहुत वड्डी सपोर्ट मिली। दोस्तों हर गल पिछे कोई ना कोई वड्डी मजबूरी होंदी है जिसके कि कारण कोई इंसान काम नहीं कर पाउंदा। सो दोस्तों इसे तरह की मजबूरी सी गुरु रंधावे दी, जिस लई ओह ना ही प्रोटेस्ट विच आ सके अते ना ही पोस्ट पा सके। सो दोस्तों सानू सब नू अगे तो यह ध्यान रखना चाहिए है कि किसी ने भी माड़ा बोलने तो पहला उसका बैकग्राउंड उसका असल सच जरूर देख लेना चाहिए है। दोस्तों हुण अगे वधदे होए गल कर लैने दलजीत दोसांझ बारे, जो कि हमेशा ही पंजाब दे पंजाबी दे हक लई खड़े होंदे हन। दोस्तों उन्होंने अज एक स्टोरी शेयर की जिस विच एक तस्वीर दिखाई जा रही थी जिथे कि पुलिस वाले ने एक सरदार नू फड़िया होया है जिसकी कि पग उतरी हुई है अते पग उसने हाथ विच फड़ी हुई है, जानि कि बहुत माड़ा सलूक एक सरदार दे नाल कीता गया है। सो दोस्तों उत्थे ही दलजीत दोसांझ ने एक ठोकवा जवाब दिता अते लिखिया हमेशा सरबत दा भला मंगदे आ पर यह सलूक बर्दाश्त नहीं। सो दोस्तों दलजीत दोसांझ की इस स्टोरी ने ही अद्धे तो ज्यादा पंजाबी इंडस्ट्री शेयर कर चुकी है। दोस्तों तुसीं भी सारे ही जानते हो कि पूरे पंजाब अते पूरी पंजाबी इंडस्ट्री विचों बहुत ज़्यादा जोर लगाया गया किसान ते उन्हां दे हक्कां दे लई। पर दोस्तों फिर भी दो हफ्ते बाद भी धरने लाने के बाद भी किसानों के हाथ कुछ नहीं लग्या। सो दोस्तों इसे नूं ही देखते हुए हुण जस बाजवा ने कल एक स्टोरी शेयर की जिस विच कि उन्होंने लिखिया अखां खोल पंजाब सियां तेरे घर च लटेरे बढ़ गए। अते जस बाजवे दी इस स्टोरी तो भी यह समझ आ जाता है कि इन्हें धरने लगाने का भी आपां नूं कोई फायदा नहीं होया अते जिसके कि कारण हुण हक लैण लई होर तरीका ही कोई अपनाउणा पवेगा। सो दोस्तों हुण अगे वधे गल कर लैने पंजाबी इंडस्ट्री की गीतां दी मशीन करन औजला बारे। दोस्तों तुसीं भी जाणदे हो कि करन औजला दा सोंग हुकम जो कि बहुत समय तो पेंडिंग पिया है। दोस्तों दो तो तीन दिन पहला इस सोंग की एक छोटी जिही क्लिप वायरल हो गई सी जिस विच कि हुकम सोंग चलता होया दिखाई दे रहा सी। अते इस तो भी बहुत वड्डा झटका उदों लग्या जदों करन औजला दे आउण वाले नवें सोंग जो कि स्पीड रैकड दे उपर आउण वाला है जिसका कि नाम है याद, दोस्तों उस सोंग की अद्धी क्लिप लीक हो गई जो कि सी पूरे 30 सैकंड की। तो दोस्तों वीडियो शूट तो यह क्लिप लीक हुई जिस विच कि करन औजला दा इह पूरा दा पूरा सोंग चल रहा है। पर इस दे नाल ही दोस्तों तुहानूं दस दईए हुण करन औजला बहुत जोरां शोरां ते तैयारी कर रहे हैं अपनी आने वाली नवी एल्बम का जो कि रिलीज़ होगी 218 जनवरी को, यानी कि करन औजला के आने वाले बर्थडे। दोस्तों इसलिए ही करन औजला इस एल्बम की तैयारी करते हुए यूके दे विच रह रहे हैं जिथे कि उन्होंने दो तो तीन दिन की रिकॉर्डिंग बाकी रह चुकी है और इस तो बाद विच इह एल्बम पूरी की पूरी तैयार हो जाए। दोस्तों हुण इस तो बाद विच अगे गल कर लैने मान साहब बारे। दोस्तों तुसीं भी जानते हो कि मान साहब के फैनज़ नूं उन्हां दी आने वाली हर एक अपडेट की उड़ीक बहुत ज़्यादा रहिंदी है। सो दोस्तों उन्होंने सबरां दा बन्न तोड़दे हुए एक नवी अपडेट लैके हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों कल रात सोशल मीडिया से यह गल्लां बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं कि मान साहब का शूट रोपड़ के चल रहा है, अज तो स्टार्ट होना है यह शूट और मान साहब उत्थे पुज रहे हैं। पर दोस्तों दरअसल उसका असल सच तुहानूं दस दईए मान साहब अजे भी कैनेडा दे विच हन, उन्होंने पंजाब नहीं आना। पर दोस्तों असल विच शूट यह मान साहब के सौंग का है जो कि होने वाला किसी होर मॉडल दे नाल, जां दोस्तों एक अजिहा शूट जिस विच कि मान साहब नहीं बल्कि होर मॉडल आपां नूं दिखाई देने। दोस्तों उसी सैट तो ही फोटो एक साइड तक पहुंची है जो कि स्क्रीन उपर तुसीं देख पा रहे होगे। अरे दोस्तों हुण तुहानूं ले चलदे हां एक स्पैशल वीडियो दे वल जो कि ट्रेंड कर रही है पूरे सोशल मीडिया के उपर। तो तुहानूं दस दईए इह वलॉग है डीएस मावी का जिस विच कि उन्होंने यह गल दिखाई कि मान साहब अपने फैनस के
ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਨਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਡੀਐਸ ਮਾਵੀ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। Everything, knowledge,